मेरे प्यारे दोस्तों मैं रतन भूषण फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आई एस इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप एंड सी कोच पोलिटिकल स्टडीस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर वेलकम टू ए एस डी आई बिलीव इन क्वालिटी कमिटमेंट एंड सक्सेस करंट अफेयर्स प्रोग्राम दैट इज कैप कॉम्प्रिहेंसिव करेंट फॉर डेडिकेटेड स्टूडेंट इट इज इन हिंदी मीडियम एंड द सोर्सेज सोर्सेज नव भारत टाइम्स बट न्यूज़ देने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा थाट दूंगा थाट ये है कोई भी बात कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितने कि सुपीरियर्स की आलोचना मैं मैं कभी किसी का आलोचना नहीं करता मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो इसलिए मैं तारीफ़ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूँ गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूँ अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोल कर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ इसलिए सराहना में विश्वास रखिए और कम से कम लोगों की बुराई कमियाँ निकालने की कोशिश करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टूडेज़ आर जम्मू कश्मीर में छः पुल तैयार सेना मिले सेना को मिलेगी मदद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में छः पुलों का उद्घाटन किया इसमें चार पुल अखनूर में अखनूर पल्लान वाला मार्ग पर और दो पुल कठुआ जिले में तारना नाला पर बनाए गए बी ने इन पुल का निर्माण किया इनका उद्घाटन ऐसे समय में किया जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच एल पर तनाव चल रहा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार हमारे सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास जारी करने के लिए संकल्प है इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर को जनता और सैन्य बलों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई दूसरे विकास कार्यों को भी योजना है इसकी समय आने पर घोषणा की जाएगी रक्षा मंत्री ने कहा कि बी को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे भारत खुली अर्थव्यवस्था निवेशकों का स्वागत भारत खुली अर्थव्यवस्था निवेशकों का स्वागत मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का दुनिया के सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्था में से एक है जिसमें निवे निवेशकों को अनुकूल और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल के साथ साथ निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं हम सभी वैश्विक कंपनियों को भारत में अपनी उपस्थिति का अवसर देने के लिए उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भारत लॉकडाउन से बाहर आ रहा है जिसके बाद अब अर्थव्यवस्था में आर्थिक पुनरुद्वार के संकेत दिखने लगे हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आत्म केंद्रित होना आत्म केंद्रित होना या दुनिया से खुद को बंद कर लेना नहीं यह उत्पादन में आत्मनिर्भर होने से लेकर है भारतीयों के पास यह सब हासिल करने का जज्बा है जिन्हें असंभव माना जाता है भारत प्रतिभा का पावर हाउस है हर चुनौती को पार करने की क्षमता प्रधानमंत्री ने का इतिहास बताता है कि भारत ने हर चुनौती को पार किया है चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक पिछले छः वर्षों के दौरान भारत ने वित्तीय समावेशन आवास और बुनियादी ढांचा मजबूत करने कारोबार करने को आसान बनाने और टैक्स रिफॉर्म जैसे जीएसटी को लागू करने जैसे सुधारों की दिशा में बड़ी बढ़त हासिल की है यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी वैश्विक अच्छाई और समृद्ध को आगे बढ़ाने के लिए भारत जो भी कर सकता है वो करने को तैयार है मोदी ने कहा कृषि के साथ साथ रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए हमने कई सुधार किए हम अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादक निवेश के अनुकूल और प्रतिस्पर्धा बना रहे हैं हम निवेशकों को आने और सीधे निवेश करने का अवसर देने के दरवाजे खोल रहे हैं इसके अलावा लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम जैसे एम एस मी एम एस मी एम एस एम ई के क्षेत्र में कई सुधार किए रक्षा क्षेत्र में निवेश के अवसर हैं महंगा होगा चीन से स्टील का इंपोर्ट सरकार ने अब चीन से स्टील का आयात कम करने की रणनीति बनाई स्टील पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी के साथ नया टैक्स बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बैट लगाने जा रही है टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा पाँच से सात परसेंट का फिक्स दी का होगा सूत्रों के अनुसार सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कदम उठाने का फैसला किया बैट लगाने का प्रस्ताव कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तैयार किया है इसे पीएमओ को भेज दिया गया है अब इसको कैबिनेट में भेजा जाएगा और वहीं से पराजित होने के बाद फिर इसकी घोषणा की जाएगी एक अधिकारी ने बताया कि सरकार यह कदम घरेलू स्टील मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए उठा रही है इससे घरेलू स्तर इस पर स्टील का निर्माण करने वालों की बिक्री बढ़ जाएगी फिलहाल भारत स्टील का आयात चीन जापान और कोरिया से करता है भारत स्टील का आयात चीन जापान और कोरिया से करता है भारत स्टील का आयात चीन जापान और कोरिया सकता है इसमें चीन से आयात की हिस्सेदारी 40 से 50 परसेंट के करीब है अकेले चीन से स्टील का आयात कम करने पर बैन नहीं लगाया जा सकता ऐसे में सरकार स्टील आयात को इतना महंगा कर देना चाहती है कि स्टील के आयात में चालीस तक की कटौती कटौती हो जाए इसकी सीधी चोट चीन को लगेगी इधर कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट एस वासुदेवन ने कहना है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना बेसक तर्कसंगत हो सकता है मगर हमें इस पर ध्यान होगा आयात कम होने पर तर्कसंगत दामों पर देश में स्टील की उपलब्धता बढ़े गलवान हमारा बता दिया था आज फिर बातचीत भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा काला अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग ही के साथ बातचीत में गलवान घाटी के बारे में भारतीय रुख के बारे में बता दिया था मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया के बारे में आ रही कुछ खबरें भ्रामक और अधूरी सूचना पर जो गलत है मंत्रालय ने कहा कि भारत ने हर बार चीन को अपनी संप्रभुता के बारे में मजबूती से जानकारी दी है बातचीत के दौरान सीमा पर तय कार्यक्रम के तहत तनाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठे इसके लिए सिस्टम और फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी थी सूत्रों के अनुसार इस फ्रेमवर्क को तय करने से पहले पीएम प्रधानमंत्री हालात को समीक्षा कर सकते हैं अजीत डोभाल उनसे मिलकर अब तक की प्रगति की रिपोर्ट में अपडेट करेंगे इस बीच भारत चीन के बीच कूटनीतिक चैनल को और ज़्यादा खोलने की पहल की गई है इसके तहत आज एक बार फिर दोनों देशों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं और हालांकि विदेश मंत्रालय के सभी औपचारिक रूप इसकी पुष्टि नहीं की मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुत जल्द होने वाली है मालूम हो कि रविवार को एन एस डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग के बीच हुई बातचीत के बाद यह पहली कूटनीतिक बातचीत होगी आदिवासियों को संस्कृत पर खतरा लगाते कैम्प नक्सल उन्मूलन अभियान के अभियानों के तहत बस्तर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का दखल हो चुका है इससे उस क्षेत्र में नक्सली तो बैकफुट पर चले गए हैं पर इससे स्थानीय आदिवासियों की आज़ादी बाधित हो गई पहले यहाँ के आदिवासी बेरोक टोक जंगलों में या एक दो एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना कर सकते थे अब उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए आईडी दिखानी पड़ती है जिसे हमेशा लेकर उन्हें अटपटा लगता है इस व्यवस्था के खिलाफ इस साल की शुरुआत से आदिवासी कई बार आंदोलन कर चुके हैं जबकि सुरक्षा बलों की दलील है यह सब वे नक्सलियों के दबाव में आकर कर रहे हैं